ओके गाइस, तो ये रेडिएटर निकल चुका है। तो यहाँ पे ये फैन देख सकते हैं, ये जाम हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसका भी रेडिएटर सेपरेट हो चुका है। सो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि थंबनेल देख के आपको मालूम ही हुआ रहेगा, और ये है ड्यूक 200 मेरी। सो यहाँ पे बहुत दिनों से बंद थी, मीन्स यूज़ नहीं कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवा यूज़ कर रहा था इस टाइम। तो बारिश में यहाँ पे बंद थी, तो इसके वजह से अभी क्या हुआ है, उसका कूलिंग पैन चल नहीं रहा है, जो कि बाइक चलाने के बाद हाई टेम्परेचर आने के बाद वो कूलिंग फैन रेडिएटर का चालू होना चाहिए, वो अभी चालू नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़े बहुत स्टेप्स करके देखे, यूट्यूब पे जाके थोड़े बहुत सर्च किया, और बाद में फ़ैन टेस्ट किया, तभी भी नहीं चल रहा है। सो अभी मैं फ़ैन निकालने जा रहा हूँ, तो उसके पहले मुझे रेडिएटर निकालना होगा और बाद में फ़ैन निकलेगा। सो यहाँ पे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम ये ओपन कर रहा हूँ मैं, तो जितना हो सके मैं ही अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन आई तो बाइक का काम आना चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास थोड़े टूल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी पहले इसका रेडिएटर निकालते हैं, और बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप फैन का टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो अभी मैंने क्या क्या टेस्ट किया वो जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो पहले देखते हैं। और गाइज, ये चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसी के साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो आगे आगे बहुत अच्छे वीडियोस क्रिएट करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो गाइज, अभी फर्स्ट देखते हैं मैंने क्या क्या यहाँ पे फ़ैन चालू करने के लिए टेस्ट किए थे, और अभी तो फ़िलहाल घूम नहीं रहा फ़ैन, तो वो निकालना पड़ेगा। तो उसके पहले मैंने क्या यूज़ किया वो फ़ैन चेक करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, सो गाइज, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी ये है रेडिएटर और यहाँ पे अंदर है कूलिंग फ़ैन। तो ये कूलिंग फ़ैन अभी निकालना है, तो ये रेडिएटर फर्स्ट निकालना होगा मुझे। तो यहाँ पे पाइप से, यहाँ पे अंदर कूलेंट है वो सेपरेट बकेट में निकाल के लेंगे, रेडिएटर निकालेंगे और बाद में फ़ैन निकलेगा। तो अभी जैसे कि पहले मैंने चेक किए थे, जो टेस्ट किए थे फ़ैन चालू कैसे होगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक थर्मोकपल है जो कमांड देता है कंट्रोलर को, और उसके बाद में हाई टेम्परेचर के बाद में ये फ़ैन चालू होता है और रेडिएटर का जो लिक्विड है वो कूल होता है। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, बाइक बंद हो रही है हाई टेम्परेचर पे, तो ये फ़ैन नहीं घूम रहा है उसके वजह से। तो अभी और एक मैंने जो टेस्ट की थी, तो यहाँ पे कनेक्टर्स निकाले हैं जो डायरेक्ट फ़ैन का है, तो यहाँ पे 12 होल्ट डायरेक्ट देके मैंने देखा था, तभी भी फ़ैन नहीं घूम रहा है। तो इसको कैसे मैंने 12 होल्ट दिया, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे कि ये टूल से अभी इसके यूज़ से मैं रेडिएटर निकालूँ गा, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो मैंने चार्ज करने के लिए बैटरी एक मॉडिफाई करके तैयार किया था। तो यहाँ पे इससे आउटपुट 12 होल्ट देके देखा था मैंने, तो चालू नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सब डिसमेंटल करेंगे और रेडिएटर बाहर निकालेंगे, और बाद में एक बार फिर से इसको सप्लाई देके मैं आपको दिखाता हूँ तो चलता है क्या नहीं देखेंगे, और उसके बाद में रिपेयर होने के बाद एक बार फिर से देखेंगे। तो चलिए, ओके गाइस, तो ये रेडिएटर निकल चुका है। तो यहाँ पे ये फ़ैन देख सकते हैं, ये जाम हो चुका है, तो इसको फ्री करेंगे पहले। अभी मुझे मालूम नहीं इसका क्या वाइंडिंग वगैरह गया है, तो देखते हैं। जैसे कि अभी रेडिएटर यहाँ पे लाके रखा है मैंने, और यहाँ पे फ़ैन है, तो आपको मैंने वहाँ पे दिखाया जो कि फ़ैन नहीं घूम रहा है, जाम हो चुका है। तो ओपन करेंगे, रस्ट हुआ है या वाइंडिंग गया वो बाद में देखेंगे। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो उस पे से 12 होल्ट देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और जैसे मैंने आपको बोला था 12 होल्ट देके मैंने ऑलरेडी देखा था, नहीं घूम रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट दिखाता हूँ आपको फिर से लगा के, एक तो घूमेगा नहीं क्योंकि ये जाम है, तो फिर से ट्रायल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, सो गाइज, यहाँ पे रेड प्लस और ब्लैक माइनस, तो यहाँ पे 12 होल्ट प्लस, जैसे यहाँ पे रेड वायर जाएगी प्लस को, तो यहाँ पे मैंने इंसुलेशन किया है क्योंकि दोनों एक साथ टच ना हो जाए। तो ये अभी इस साइड में प्लस लगाई मैंने, और एक साइड में यहाँ पे जो कि माइनस लगाई। ओके, तो ऐसे रखेंगे और चालू करेंगे। सप्लाई आ चुका है, तो फैन यहाँ पे घूम रहा है, और यहाँ से इसको सप्लाई तो गया है लेकिन ये फैन नहीं घूम रहा है, तो जस्ट घुमा के दिखाता हूँ। नहीं,
फुल जाम हो चुका है, बंद कर। तो बंद करते हैं, ओपन करते हैं इसको। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसका अभी रेडिएटर सेपरेट हो चुका है और फैन सेपरेट हो चुका है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, अभी इसको ओपन करेंगे। तो जैसे कि ये पोर्शन तो फ्री किया है मैंने, तो अभी ये फैन निकालना होगा। तो यहाँ से हीट करेंगे, तो मुझे जितना लग रहा है ये पीछे से निकलेगा, तो देखते हैं। भागता सो गाइस, यहाँ पे फैन सेपरेट हो चुका है और ये है मोटर उसकी। तो अभी ये पीछे का पोर्शन कैसे निकालने का वो देखेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। सो इसको बहुत ही अच्छे से वाटरप्रूफिंग की है। ओके गाइस, तो ये है अंदर की साइड। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें रस्ट हो चुकी है और इसको बार बार से क्लीन करेंगे। देखते हैं कैसे अभी क्लीन करने की प्रोसेस करने पड़ेगी। तो और वाइंडिंग तो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कार्बन ब्रश भी है इसको, तो ये छोटे छोटे कार्बन ब्रश है, तो देखेंगे। मुझे नहीं लगता कार्बन ब्रश गए हैं, तो जस्ट बराबर से क्लीन करके फिर से बिठा के देखेंगे। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दो पार्ट सेपरेट किए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये है आर्मेचर, यहाँ पे दो कार्बन ब्रश है, तो ये डीसी मोटर है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं ये पूरा सेट निकालने को नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे बेरिंग है अंदर, तो निकालने के समय ये टूट सकता है। इसके लिए जस्ट यहाँ पे ऑयलिंग और एक केरोसिन की बूंदें थोड़ी डाली है, तो अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है। और यहाँ पे ये पोर्शन जो रस्ट हुआ था, ये सब क्लीन करके लिया है। यहाँ पे भी ऑयलिंग की है, और यहाँ पे एक छोटी सी बेरिंग है, यहाँ पे एक छोटी सी बेरिंग है। तो अभी देखते हैं, असेंबल करते हैं और कनेक्शन सप्लाई देके 12 होल्ट चालू करके देखते हैं घूमता है। तो चलिए। तो यहाँ पे ये गैसकेट है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए, तो ये बराबर से लगाएंगे। इसके ऊपर ये आर्मेचर लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत सीलेंट लगाया था उन्होंने, तो अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी अंदर गैसकेट है, और यहाँ पे एक रबर बुश भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये फटाफट से फिट करता हूँ, ये यहाँ पे जस्ट मैं घुमा के देखता हूँ, ठीक है, घूम रहा है। सप्लाई देखे देखेंगे बाद में, तो पहले बराबर से असेंबल करता हूँ। ओके, तो इस तरह से ये तो फिटिंग हो चुका है। तो अभी इसका सेट यहाँ पे है, इसको ऐसे बिठाएंगे। तो इसको मैं बिठा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्क्रू है वो बराबर से वहाँ पे फिट होकर मोटर अलाइनमेंट जो रहती है बराबर से हो जाए, इसके लिए ये बराबर से टाइट करेंगे, ठीक है। ओके ओके, मोटर यहाँ पे फिट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम है तो देखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, तो घूम रही। तो अभी ये फैन बिठा दे। सो गाइज, यहाँ पे अभी मैंने फ़ैन बिठाए हैं, तो फ्री तो घूम रहा है। देखते हैं अभी चालू करके एक बार। तो चालू कर। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ैन तो घूम रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और घुमाएंगे, चालू रखेंगे और थोड़ा फ्री होने देते हैं, तो और बाद में सब असेंबल करेंगे, तो और देखते हैं क्या कंडीशन है बाद में। तो फिलहाल के लिए अभी रन करते हैं। तो चालू करो। सो गाइस, फाइनली फैन का काम हो चुका है। तो अभी कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत रोटेशन करने के बाद अभी स्मूथली घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी है। तो अभी रेडिएटर को फिट करेंगे और बाद में ट्रायल लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कब क्रिएट होता है, जब आप बाइक यूज़ नहीं करते और वैसे ही रहती है, तो उसमें बारिश के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं।
अभी वहाँ पे जैसे कि आपको मैंने दिखाया अंदर रस्ट हुआ था, उसकी वजह से फैन जाम हुआ था और उसमें दो बेरिंग्स है वो भी जाम हो चुकी थी। तो जस्ट मैंने ऊपर के ऊपर ही उसको ऑयलिंग और केरोसिन ऐसे डाला तो बाद में फ्री हुई। तो अभी फ़िलहाल के लिए रेडी है तो अभी हम बिठाएंगे। तो ये फ़ैन नया लेना है तो आई थिंक सो 4000 ऐसे कुछ प्राइस है, और बाद में जो लेबर चार्जेस है जो सर्विसिंग के वो अलग। तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत मैं कुछ सीखा यहाँ पे, तो ये फ़ैन अभी यहाँ पे रेडी है तो बिठाने के लिए मैं रेडी हूँ। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसी के साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो फटाफट से मैं अभी ये असेंबल करता हूँ और डायरेक्ट बाइक को बिठा के आपको बाद में ट्रायल का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। तो चलिए। सो गाइस, फाइनली अभी रेडिएटर फिट हो चुका है, कूलेंट भी डाला है। तो एक्स्ट्रा कूलेंट डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो कूलेंट निकाला था वो डायरेक्ट जो पाइप्स मीन्स होज है वहाँ से निकला था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जो कि नीचे से आप निकल सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ से निकाला था तो डायरेक्ट पाइप ओपन किए थे होज, और यहाँ से नीचे ये पोर्शन निकालने के बाद नीचे से एक बोल्ट है वो लूज़ किया, तो वहाँ से आपको कूलेंट निकालने को इजी होता है। और यहाँ पे अभी रेडिएटर आप देख सकते हैं फिट, यहाँ पे फ़ैन कनेक्शन मैंने जो कनेक्टर था वो कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अभी मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा तो फ़ैन, और जैसे कि अभी फ़ैन घूम रहा है तो फ़ैन जो सेंसर है थर्मो कपल है वहाँ पे, वो निकालने के बाद फ़ैन डायरेक्टली चालू होता है विदाउट हाई टेम्परेचर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी क्या करते हैं, पहले बाइक चालू करते हैं और वो सेंसर आपको निकाल के डायरेक्ट फ़ैन चालू करके दिखाता हूँ, और एक बार फिर से बाद में टेम्परेचर हाई करके ऑटोमेटिकली चालू होता है तो वो देखेंगे। तो चलिए। और अभी जो डायरेक्ट सेंसर में रेडिएटर का फ़ैन है वो कैसे चालू करने का है, ये जो यहाँ पे थर्मोकपल देख रहे हैं आप, ये बाहर निकलने के बाद फ़ैन अपने आप चालू होता है मीन्स बाइक स्टार्ट करने के बाद, तो उसको टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ट्रायल ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी चालू करते हैं बाइक और आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पे, टेम्परेचर ओके 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 कुछ 2-3 डॉट्स है, तो हाई होने के बाद फ़ैन चालू होता है। तो अभी इस कंडीशन में आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये थर्मोकोपल बाहर निकलता हूँ पहले, ओके ये ओपन हो चुका है। तो अभी बाइक स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आवाज़ आप सुन सकते हैं फ़ैन नहीं चालू, और अभी आप देख सकते हैं फ़ैन बंद हो चुका है, तो बराबर से ये थर्मोकपल काम कर रहा है तो फ़ैन भी बंद हो चुका है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 3 ही डॉट है, तो ये अभी हाई करते हैं और ऑटोमेटिकली फ़ैन चालू होता है तो देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी टेम्परेचर के लिए रखी है बाइक, तो हाई होने के बाद फ़ैन चालू हो जाएंगे, तो अभी फ़ैन चालू हो चुके हैं। तो जस्ट आपको आवाज़ सुना दूँ, तो ये है नॉइस, तो अभी टेम्परेचर कम होने के बाद तो यहाँ पे ओके तो फुल है, तो कैमरा बराबर से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ओके, तो यहाँ पे फुल है। तो 1 डॉट कम होने के बाद फैन बंद हो जाएंगे, तो देखिए ये आगे का डॉट है ना, ये कम होना चाहिए, तो वेट हो गया, तो अभी फ़ैन बंद होने चाहिए ओके, फैन बंद, आवाज कम। सो गाइज, सब सिस्टम बराबर से काम करिए, कंट्रोलर अच्छे से काम कर रहा है, तो फैन का इशू था जो कि रस्ट होके घूम नहीं रहा था। तो फिलहाल के लिए अभी उसमें थोड़ा कूलेंट डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेवल मीन्स मैंने जो कूलेंट निकालते समय थोड़ा वेस्ट किया था, वो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। सो गाइज, आप कंफर्टेबल मीन्स आपको कॉन्फिडेंस है बाइक का काम आप कर सकते हो, तभी आप
हाथ डालिए, नहीं तो आप KTM सर्विस सेंटर नहीं तो जो एक्सपर्ट है उसके पास ही लेके जाइए। तो जैसे कि मेरा जो काम है, मैं हूँ इलेक्ट्रिशियन, तो थोड़ा बहुत वायरिंग का जानता हूँ और मैकेनिकल भी जानता हूँ, इसके लिए मैंने ओपन की बाइक। सो अच्छे से अभी तो काम हुआ है, तो मुझे अभी वो फैन कंटिन्यूसली मीन्स वीक के बाद नहीं तो 2 दिन के बाद चालू करना होगा। तो मैं सेंसर निकाल के चालू करूँगा, क्योंकि जब तक टेम्परेचर हार नहीं होगा तब तक फैन नहीं चालू होगा। तो जैसे रनिंग होती है बाइक, वैसे फ़ैन यूज़ होता है, तो रख के तो यूज़ होने वाला नहीं है। तो सेंसर में निकाल के चालू करके फिर से बंद करूँगा, तो फैन रोटेशन रहेगा। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल हुआ रहेगा। तो अभी फिर से फ़ैन चालू हो चुके हैं। तो गाइज मिलता हूँ अगले वीडियो में। और गाइज ये चैनल पे हम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसी के साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो अभी बंद करता हूँ बाइक, तो पहले फैन बंद होने देता हूँ। तो आप देखिए, तो यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश चालू है, तो क्लाइमेट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत टाइम गया मीन्स, लेकिन कुछ तो यूज़ हुआ ये काम करते। तो राइड में ऐसे जो नॉलेज हम लेते हैं ना वो यूज़फुल होते हैं आगे आगे। और फिलहाल के लिए फैन का एक ऑप्शन मुझे मालूम पड़ा है, तो फैन बंद। अभी चलिए ये व्लॉग भी एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।